हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट टू। लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12th जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी हमारा विवा क्लासेस जो है, जिसमें हम 12th तक के सब्जेक्ट्स की नॉलेज हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर रखा है इनकम टैक्स सब्जेक्ट, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। देखिए, वैसे तो ये जो हेड है ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप बात करेंगे हमारी कंसेप्ट की, तो हम लोग बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स जो लोग ग्रेजुएशन के एग्जाम देते हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन अगर आप सीएससीएस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपकी नॉलेज बहुत वास्ट होनी चाहिए। तो हमारा जो फोकस है बेसिकली एग्जामिनेशन में बच्चा क्वेश्चन डील कर सके और किस तरीके से आप कंसेप्ट्स भी कर लें और कम टाइम में अपने लिए तैयारी भी प्रिपेयर कर लें। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को, फॉर्मेट को लिया है। तो हम यहाँ पर पूरा कंसेप्ट नहीं समझा रहे हैं इस टॉपिक पर, इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर आता है वो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हम वही वाली चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और एक और पार्ट में इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर आप बीकॉम पास की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आता है, तो आप करके जाएंगे तो 4-5 मार्क्स आपके डेफिनेटली जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो इसे जरूर करके जाइएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। वैसे इन जनरल ये चैप्टर काफी बड़ा है और काफी ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में देखें तो इतना सा टॉपिक आपको करके जरूर जाना चाहिए, राइट। तो चलिए, पार्ट वन है हमारे पास इसका, और इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि हम सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो छोटा सा फॉर्मेट है इसके लिए। जो भी आपको डेप्रिशिएबल एसेट दी होगी, उसकी WDV दी होगी आपको, तो सबसे पहले WDV ऑन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अब देखिए, हर साल आपका प्रीवियस ईयर बदलेगा, तो जो भी प्रीवियस ईयर की बिगिनिंग है ना, आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, तो आपके पास इस डेट की WDV गिवन होगी। तो आपको पता है कि इनकम टैक्स में हर साल जो है प्रीवियस ईयर जो है बदल जाता है, असेसमेंट ईयर भी बदल जाता है, तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करेंगे। तो WDV ऑन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, WDV होती है उसकी वैल्यू उस डेट पर। उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी परचेज किया होगा, एडिशन किया होगा विद डेट, हम लिखते जाएंगे जितना भी परचेज कराया, एसेट्स को एक बार में पूरा ऐड कर दीजिएगा, राइट। टोटल एसेट्स आ जाएंगी, टोटल जो आपके पास अब तक इकट्ठी हुई, उसमें से जितनी भी एसेट्स आपने सेल करी है वो आपने सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है ना। अब ये जो अमाउंट है इसको लेकर दो केसेस हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितनी भी एसेट्स आपके पास थी सारी बेच दी, ठीक है, सारी की सारी बेच दी, तो या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी सेल वैल्यू ज्यादा है, यानी आपका जो है एसेट जो है वो ज्यादा में सेल हुआ है, अगर आपकी सेल वैल्यू ज्यादा है टोटल एसेट से, तो ऑब्वियसली आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और यहाँ पर कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, क्योंकि WDV का मतलब ही होता है प्रेजेंट वैल्यू, बुक वैल्यू, है ना। तो आज ही के दिन की वैल्यू दे रखी है और सेल वैल्यू तो आज की होती होती है, तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो इफ ऑल एसेट्स आर सोल्ड, सारी एसेट्स आपने बेच दी, तो अब जो अमाउंट बचेगा या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर सेल वैल्यू ज्यादा है, जो ये वाला अमाउंट है आपके पास सेल वैल्यू, राइट, अगर सेल वैल्यू ज्यादा है टोटल एसेट से, तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से सिर्फ कोई पार्ट बेचा है, राइट, तो आपके पास एसेट्स बचेंगी, उनकी WDV बचेगी, फिर हमें डेप्रिसिएशन निकालना सीखना है, यही इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। अब जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो सिर्फ आपको इनकम टैक्स के प्रस्पेक्टिव से ध्यान रखना है। देखिए, अकाउंट्स अलग है, इनकम टैक्स ने अपनी अलग रेट्स दे रखी है, वही रेट्स प्रिस्क्राइब, तो जनरली तो एग्जाम में वो रेट्स आती हैं। बीकॉम पास की बात करें तो रेट्स दे देते हैं, बीकॉम ऑनर्स में आपको डेट्स रेट्स जो है रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ हद तक याद भी करनी पड़ेगी, राइट। तो अब आपने क्या ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो एसेट्स आपके पास आई, ठीक है, जब आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि वो आपके पास मोर देन 6 मंथ रही या लेस देन 6 मंथ रही, बस इतना सा कंसेप्ट ध्यान देना है आपने, लेस देन 6 मंथ। अगर वो मोर देन 6 मंथ रही तो जो भी आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो फुल लगेगा, राइट, और अगर वो लेस देन 6 मंथ रही तो आपके पास जो भी रेट है उसका हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो वह फ्लैट रेट होती है, 10%, 25%, 20% पर एनम, उसके आगे नहीं लिखा होता, तो आपको मंथ का हिसाब नहीं लगाना होता। तो सिंपल सा सिर्फ लॉजिक याद रखना है कि अगर आपके पास 6 महीने से ज्यादा इस्तेमाल हुई है इस प्रीवियस ईयर में तो फुल रेट, अगर 6 महीने से कम इस्तेमाल हुई है तो हाफ रेट।
अब देखिए कंसेप्ट समझकर अगर क्वेश्चन भी हो जाए ना तो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो आप देखिएगा हम 4-5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको हम पूरा उम्मीद दिलाते हैं कि वो 5 क्वेश्चन करने के बाद आप बड़े आराम से अपने एग्जाम के क्वेश्चन कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन को लेकर तो खास तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए हमने लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन लिए हैं, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्स लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ब्लॉक वन। बस इतना ध्यान रखना है कि अलग अलग एसेट्स हैं तो अलग अलग ही ट्रीट करना है उनको। देखिए ब्लॉक वन में प्लांट एंड मशीनरी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको मेंशन है 20% है, WDV 1 अप्रैल को दे दी गई है 25 लाख रुपए की। ब्लॉक टू में बिल्डिंग है, दोनों ही अलग अलग एसेट्स हैं तो दोनों को अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। टू बिल्डिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, WDV 60 लाख रुपीज है। परचेज टू प्लांट 2/6/2020 को आपने ये प्लांट खरीदा, सोल्ड 5 प्लांट ऑन दिस। तो ये जो परचेज और सेल दे रखी है ये ब्लॉक वन की दे रखी है, तो ब्लॉक वन में ही इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ब्लॉक टू के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम सिर्फ इसकी WDV दे रखी है तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाकर फिर से इसकी WDV निकालेंगे। तो आपको कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडमिसिबल डेप्रिसिएशन कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 है। देखिए आपके क्वेश्चन में सिर्फ प्रीवियस ईयर बदलेगा तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा चेंज जो है वो जरूर करेंगे, बाकी कुछ नहीं है, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम ब्लॉक वन सॉल्व करते हैं। चलिए ब्लॉक वन में क्या है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी, उसी में आपकी परचेज और सेल हुई है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे ब्लॉक वन क्या है आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी, बस शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऊपर लिख दीजिए 20%, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, WDV लिखनी है। तो हम लिखेंगे WDV ऑन 1/4/2020, राइट। ये कितने रुपए हैं इसके, 25 लाख रुपीज, तो ये लिख लिया हमने। अब हमने आपको क्या फॉर्मेट बताया था, अगर आपने परचेज करा है तो सबसे पहले परचेज एड कर दीजिए। तो परचेज करी है हमने प्लांट एंड मशीनरी 2 जून 2020 को, तो वो लिख दी हमने। देखिए 20 लाख रुपीज की आपने परचेज करी है, टोटल एसेट्स कितनी हो गई, देखिए अब आपके पास 45 लाख रुपीज की आपके पास टोटल एसेट्स हो गई, राइट। अब देखिए आपके पास, आपको बता रखा था कि WDV जो ये दे रखी थी 3 प्लांट्स की दे रखी थी और आपने 2 प्लांट्स और खरीदे थे, कुल मिलाकर आपके पास प्लांट्स और मशीनरी कितनी थे, 5। वो कहता है सोल्ड 5 प्लांट्स, इसका मतलब सारे प्लांट्स बेच दिए। तो अब देखिए जो आप सेल कर रहे हैं वो सभी प्लांट्स की है ना, 30/11/2022 को। तो या तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, WDV तो बच नहीं सकती क्योंकि पांचों एसेट्स आपने सेल कर दी। तो पांचों की पांचों प्लांट एंड मशीनरी आपने सेल कर दी, आपके हिसाब से जो बुक वैल्यू थी वो 45 लाख थी और आपकी सेल कितने में हो गई, 50 लाख में। तो ऑब्वियस सी बात है आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। बहुत आसान है, आप देखते जाइए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद आपको और भी ज्यादा आसान लगेगा। तो हमने ब्लॉक वन सॉल्व कर लिया, अब ब्लॉक टू में आपके पास बिल्डिंग है और उसमें ना परचेज हुई है ना सेल हुई है, तो ब्लॉक टू लिख लेते हैं, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, राइट। अब हमारा जो है इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम WDV लिखते हैं, तो WDV ऑन 1/4/2020, तो हमें लैंड का जो बिल्डिंग का दे रखा था WDV वो कितना दे रखा था, 60 लाख रुपीज। अब आप बताइए कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं, तो हम सिर्फ इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे और क्योंकि ये साल के शुरू से है तो पूरा 10% लगेगा, ठीक है। तो 60 लाख का अगर हम 10% लगाएंगे तो 6 लाख रुपीज आपका डेप्रिसिएशन लग गया। तो अब आपके पास ये WDV बच गई ऑन 1/4/2021 को 54 लाख की और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी गया, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X Limited furnishes following information to you. Block 1, plant consisting 3 plant, rate of depreciation है आपके पास 15%, written down value आपको 5 lakh rupees दे रखी है। तो block 1 में plant machinery है, same block 2 में आपके पास 2 building है, rate of depreciation 10% है, written down value आपको दे रखी है। 2 plants आपने और खरीदे जो 15% depreciation वाले ही है, इसका मतलब वो block 1 से ही relate करते हैं। अगर इसका डेप्रिसिएशन अलग होता तो ये अलग ब्लॉक के हो जाते, राइट। अभी फिलहाल ये 15% वाले हैं तो ये ब्लॉक 1 के ही आपने परचेज करे हैं, तो ब्लॉक 1 का आपको परचेज दे रखा है 10 जुलाई 2020 को 3 लाख रुपए का। ऑल दीज 5 प्लांट्स वर सोल्ड फॉर 9 लाख ऑन 1/12/2020, ऑन 15/12/2020 2 प्लांट्स वर परचेज फॉर 2,50,000 रुपीज। तो आपने सारे प्लांट्स बेचे, उसके बाद आपने और प्लांट्स खरीद भी लिए। तो अब ध्यान से देखते हैं ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 हमें अलग अलग सॉल्व करना है। वैसे तो ब्लॉक 2 बहुत आसान है, ब्लॉक 2 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ब्लॉक 2 भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, बट ब्लॉक 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं क्योंकि वही समझने वाला मेन चीज है। तो यहां हमने लिखा ब्लॉक 1, लिखा कौन सी एसेट है हमारे पास,
डेप्रिशिएबल एसेट प्लांट एंड मशीनरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%, राइट। अगर 6 महीने से ज्यादा इस्तेमाल हो तो फुल, 6 महीने से कम हो तो हाफ। अब हम सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, WDV ऑन 1st अप्रैल 2020, क्योंकि हमारा इन क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर यही चल रहा है। तो कितनी WDV है, 5 लाख रुपीज, तो हमने ये 5 लाख रुपीज लिख दिए। उसके बाद आपने जो परचेजेस करी हैं वो लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको परचेजेस बता रखी थी, 10 जुलाई को आपने ये परचेज करा है, तो ऐड कर दीजिए परचेजेस। डेट जरूर लिखिए साथ में, क्योंकि ये जानने के लिए जरूरी है कि कितने महीने इस्तेमाल हुआ, 6 महीने से कम या 6 महीने से ज्यादा। तो 3 लाख रुपए का आपने और परचेज कर लिया, तो कुल मिलाकर आपके पास, और एक और आपने खरीदा था 2,50,000 का, उसे भी साथ साथ ऐड करना। यहाँ पर अकाउंट्स की तरह नहीं होता कि पहले परचेज देखनी है फिर सेल देखनी है, सारे परचेजेस एक ही साथ ऐड कर देंगे हम लोग, राइट। सारे परचेजेस ऐड कर दीजिए, क्लियर। 2,50,000 रुपए का आपने ये भी परचेज कर लिया, तो टोटल मिलाकर मेरे पास जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स जो मेरे पास हैं फिलहाल के लिए, कितनी हो गई, 10,50,000 रुपीज की। अब मैं इसमें से सीधा सीधा सेल माइनस कर देती हूँ। सेल कितने की करी थी, 9 लाख रुपीज की, राइट। तो मेरे पास जो एसेट्स बची 1,50,000 रुपीज की, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सारी एसेट्स नहीं बेची, उसने खुद बोला था कि पहले आपके पास ये 3 प्लांट्स थे, राइट, और जो आपने खरीदे थे ये 2 प्लांट्स थे, फिर आपने एक प्लांट और खरीदा था, तो उसने बोला था 5 प्लांट सेल कर दिए, तो ये वाले प्लांट उसने सेल कर दिए। तो अब जो प्लांट बचा है, जो भी ये WDV बचा है, WDV जो भी ये बचा है आपके पास ऑन 1st अप्रैल को ही अभी आपके पास ये बचा है, तो इस पर अभी हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये जो आपके पास WDV है, ये किस एसेट का होगा, ऑब्वियसली जो अभी रिसेंटली एसेट आई है, दिस वन, ठीक है, उसी का अमाउंट बचा है। आप ये मत सोचिए कि वो तो 2,50,000 की बची होनी चाहिए, यहां पर ऐसा नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये बचा हुआ अमाउंट है किस एसेट का हो सकता है। ये वाली दोनों एसेट तो गई भाई, ये तो चली गई, अब जो एसेट बची हुई है वो इसमें से ही हो सकती है। अब इसका क्या रोल है कि हम ये वाली चीज आइडेंटिफाई करें कि इसी एसेट का है। ये देखिए कब आई है, ये 15 दिसंबर 2020 को आई है। जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो अगर ये आपके पास 15 दिसंबर को आई है, तो दिसंबर का आधा महीना, जनवरी फरवरी मार्च, देखिए 15 दिसंबर 2020 को आई है, तो क्या ये 6 महीने रही, नहीं, क्योंकि ये 6 महीने नहीं रही, तो ये 1,50,000 रुपए उसी की WDV है। तो जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि 6 मंथ से कम था, तो जो 15% है उसका हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 7.5%। तो 1,50,000 का 7.5% हमारे पास आ जाएगा 11,250, इसे माइनस कर आप लोगों के पास आ जाएगी 1,38,750 की WDV, दैट इज ऑन 1st अप्रैल 2021, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। देखिए और भी देखेंगे अभी क्वेश्चन, परेशान मत होइए अगर आपको ये हाफ रेट वाला कंफ्यूज भी कर रहा हो, तो बस ये देखिए कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, उसमें ये एसेट्स कितना टाइम रहे, राइट। तो ब्लॉक 2 भी सॉल्व करना है अभी हमें, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, देखिए बाकी चैप्टर्स के मुकाबले इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ब्लॉक 2 में आपके पास क्या है, बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, और ना परचेज हुआ है ना सेल हुआ, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसे बस प्रॉपर स्केल से आपने फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर और अमाउंट फॉर्मेट में बना दीजिएगा। WDV ऑन 1st अप्रैल 2020, तो आपको WDV कितनी दे रखी है, 6 लाख रुपीज, तो यहाँ पर हमने 6 लाख रुपीज लिख दिया। कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन लगेगा, और वो भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर आपका 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग गया, और ये जो एसेट है ये आपके पास रह जाएगी 5,40,000 रुपीज की, दैट इज WDV ऑन 1st अप्रैल 2021। तो एक और क्वेश्चन हमारा हो गया, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द ब्लॉक ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट मशीनरी ऑन 1st अप्रैल 2020, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। तो एक ही ब्लॉक दे रखा है प्लांटेड मशीनरी का, प्लांट ए 2,00,000 रुपए का, प्लांट बी 4,00,000 रुपए का, प्लांट सी 5,00,000 रुपए का, अ न्यू प्लांट डी वॉज परचेज इन द ब्लॉक 5,80,000 एंड प्लांट बी वॉज सोल्ड फॉर 6,00,000 ऑन 30th जून ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कंप्यूट कैपिटल गेन एंड लॉस। देखिए इस क्वेश्चन में पहले तक यहाँ पर सवाल है, ठीक है, कंप्यूट कैपिटल गेन एंड लॉस, यानी यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब उसने सिचुएशन क्रिएट करी, ये करने के बाद वो कह रहा है इफ
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 ऑल प्लांट एबीसीडी वर सोल्ड. अगर ऐसा होता कि सारे ही प्लांट बेच दिए जाते, अभी तो ऊपर की सिचुएशन में आपने सिर्फ प्लांट बी सेल करा है ना, तो अगर सारे प्लांट बेच दिए जाते 8 लाख रुपीज में और उसमें 5,000 रुपए सेल से आपको पैसा सॉरी खर्च करना पड़ता सेल पर, तो आप बताइए कैपिटल गेन हुआ है, लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, ये आपको बताना है. तो दोनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं. पहले सिचुएशन वन डिस्कस करते हैं, राइट. तो सिचुएशन वन में आपने सिर्फ एक ही ब्लॉक सेल करा है. तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, हम लोग डब्ल्यू डी वी लिखते हैं. तो डब्ल्यू डी वी ऑन 1 अप्रैल 2020 को आपके पास क्या डब्ल्यू डी वी हो गई, इन तीनों को प्लस करके हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है. तो 11 लाख रुपए हो गए हमारे पास, 11 लाख रुपए का हमारे पास डब्ल्यू डी वी है. अगर कोई और खरीदा है तो वो प्लस हो जाता है, तो परचेज हम प्लस कर देंगे. परचेज करा है हमने 5,80,000 रुपीज का न्यू प्लांट, राइट. तो 5,80,000 रुपीज का आपने नया प्लांट और खरीद लिया, तो आपके पास डेट नहीं मेंशन है, तो टोटल मिलाकर आपके पास 16,80,000 रुपीज की टोटल एसेट्स हो गई. अब अगर आपने सेल कर दिया डी प्लांट, ऐसा वो कह रहा है कि आपने डी प्लांट अगर सेल कर दिया 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख रुपए का सेल कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है. अब आपके पास ये डब्ल्यू डी वी ही बचेगी, है ना, 10,80,000 रुपीज की डब्ल्यू डी वी बच गई. अभी जो डब्ल्यू डी वी बची है इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको कहा था जब सारी एसेट बेच दिया जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, बट जब सारी एसेट नहीं बेची जाती तो फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन. तो अब 10,80,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और क्योंकि हमें ये नहीं बता रखा कि नया प्लांट कब आया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि साल के शुरुआत से आया है. तो इसका मतलब जो भी ये डब्ल्यू डी वी बची हुई है ये साल के शुरू से बची हुई है, तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा. इस ब्लॉक में क्या था आपके पास, प्लांट और मशीनरी था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% था, तो पूरा 20% डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10,80,000 रुपीज पर. तो 2,16,000 रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन माइनस होकर डब्ल्यू डी वी आ जाएगी 1 अप्रैल 2021 को आप लोगों की 8,64,000, राइट, इतनी आ जाएगी. अब उसने सिचुएशन कही कि अगर मान लीजिए कि इसको हम इसके आगे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप इसको जो ये बाकी की सारी एसेट्स हैं इन्हें अगर आप बेच दें, ठीक है ना, मतलब यहां तक आपका एक पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गई. सिचुएशन टू में आपको कहता है कि अगर ये सारी एसेट्स बेच दी जाए तो आपके पास डब्ल्यू डी वी क्या है 1 अप्रैल 2021 को, अगर हम बात करें 8,64,000 रुपीज, तो अगर ये सब कुछ सेल कर दिया जाए कितने रुपए मिलेंगे. देखिए उसने कहा था 8 लाख रुपीज में सेल करा, 5,000 रुपए सेल पर एक्सपेंस हो गए, तो 7,95,000 ही रिकवर होंगे, यानी 8 लाख में से 5,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे. तो आपके पास अमाउंट कितना आ रहा है, 7,95,000. और क्योंकि सारी एसेट बेच दी गई, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. यहाँ पर क्या होगा, लॉस, क्योंकि आप कम में बेच रहे हैं जबकि आपकी एसेट्स की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग कितनी थी, 8,64,000. तो 69,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, राइट. तो इसमें यही ब्लॉक था हमारे पास और ये सॉल्व हो गया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एडमिसिबल टू मिस्टर एक्स कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. तो वही इनका जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, राइट. ये इनका प्रीवियस ईयर हो गया. अब कहते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसकी डब्ल्यू डी वी 1 अप्रैल को दे रखी है 20 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%. प्लांट एंड मशीनरी अलग से है जिसका डब्ल्यू डी वी 40 लाख रुपए है. परचेज ऑन 31 मार्च एंड पुट टू, तो ये प्लांट के बारे में ही आपको बता रहा होगा बिकॉज उसी की कॉन्टिन्यूटी में है. तो 20 लाख रुपए का आपने प्लांट और खरीदा और आपने पुराना प्लांट बेच दिया, ऐसा लिखा हुआ है इसमें. तो बिल्डिंग का कोई टेंशन नहीं है, बिल्डिंग का आप सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले आप बिल्डिंग सॉल्व कर दीजिए. तो अगर हम बिल्डिंग के बारे में बात करें तो बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, 10%. तो वो लिख देते हैं 10%, ठीक है. अब इसका पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो डब्ल्यू डी वी लिख देते हैं इसकी. डब्ल्यू डी वी ऑन 1 अप्रैल 2020 कितने डब्ल्यू डी वी है, 20 लाख रुपीज. कोई परचेज नहीं, कोई सेल नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और वो भी पूरा 10%. तो 20 लाख रुपीज का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 2 लाख रुपए हो जाएगा. ये माइनस करेंगे तो इसकी डब्ल्यू डी वी रह जाएगी हमारे पास 18 लाख रुपए. तो ये पोर्शन आपका सॉल्व हो गया, दैट इज डब्ल्यू डी वी ऑन 1 अप्रैल 2021, राइट. अब हमें किसको सॉल्व करना है, प्लांट एंड मशीनरी को सॉल्व करना है. तो हमने लिखा हमारे पास अब है प्लांट एंड मशीनरी जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%, ठीक है. हमारी स्टार्टिंग कैसे होती है, डब्ल्यू डी वी ऑन 1 अप्रैल 2020 कितने की है मशीन हमारे पास, 40 लाख रुपीज की. तो 40 लाख रुपीज लिख लेते हैं.
उसके बाद अगर कोई परचेज होता है तो उसको ऐड किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, तो परचेज को ऐड कीजिए। किस डेट पे आपने परचेज करा है? 31 दिसंबर 2020 को, और ये अमाउंट है आपके पास 20 लाख रुपीज का। जितनी भी परचेजेस हो सारी ऐड कर देनी है आपने, टोटल मिलाकर आपके पास एसेट हो गई 60 लाख रुपीज की। अब अगर आपने पुराना प्लांट सेल करा है, इसका मतलब सारे प्लांट तो सेल नहीं हुए ना, ऑब्वियसली क्लियर करा है उसने, ओल्ड प्लांट सेल करा है, तो ये 8 लाख रुपीज का आपने सेल कर दिया। तो अब आपके पास जो एसेट बची है वो है 52 लाख। 100% इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा लगेगा, क्योंकि सारी एसेट सेल नहीं, सारी एसेट सेल होती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है। यानी यहां पर आपके पास एसेट्स बची हैं और आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसने कहा ओल्ड प्लांट बेचा है, तो आपके पास जो ये 52 लाख है इस पर डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगाना है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो रिसेंट एसेट है वो तो पक्का बची हुई है आपके पास 20 लाख रुपीज की, जो अभी अभी आई है न्यू वन। यानी जो ये 52 लाख है इसमें से 20 लाख तो अभी वाली एसेट है जो करंट आई है आपके पास, और जो बाकी का 32 लाख है वो आपके पास ओल्ड प्लांट का बचा है, ये आप ऑटोमेटिकली अमाउंट से निकालते हो। तो 52 लाख का आपके पास प्लांट था जिसमें से आप बोलेंगे 20 लाख रुपीज तो नए प्लांट का है जो पूरा पूरा अमाउंट है, बाकी 32 लाख पुराने वाले का है। ठीक है, तो पुराना वाला तो फुल ईयर इस्तेमाल हुआ होगा, उस पर तो 15% डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर नो डाउट। ठीक है ना, पर नए वाले प्लांट को हमें चेक करना बहुत जरूरी होता है कि कब आए। तो आप देखिए 31 दिसंबर को आया, आपका प्रीवियस ईयर ये रहा आपके सामने, दिसंबर भी जा चुका है, तो कितने महीने यूज हुआ? सिर्फ 3 महीने इस साल, तो जनवरी फरवरी और मार्च, 6 महीने से कम इस्तेमाल हुआ। इसीलिए इस रेट का हाफ यानी 7.5% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 20 लाख रुपीज का 7.5% डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास 1.5 लाख रुपए, और 32 लाख का 15% अगर हम निकालें तो वो आता है 4,80,000 रुपीज। तो कुल मिलाकर हमारे पास डेप्रिसिएशन हो गया 6,30,000। ये डेप्रिसिएशन हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास WDV आ जाएगी ऑन 1 अप्रैल 2021 को 45,70,000 रुपीज की। आई होप इट्स क्लियर। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर एक्स हैज अ बिजनेस इनकम ऑफ 8 लाख आफ्टर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 80,000 ऑन बिल्डिंग इन हिज प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए जो डेप्रिसिएशन आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में लगाते हैं, इनकम टैक्स उस रूल से थोड़ा सा अलग चलता है, इसीलिए बिजनेस प्रोफेशन की इनकम को दोबारा से कैलकुलेट करा जाता है। जबकि असलियत में देखा जाए तो आप सोचिए कि जो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है वो तो कैलकुलेट कर ली जाती है नेट प्रॉफिट, राइट? तो इनकम टैक्स के पर्पज से अलग से क्यों कैलकुलेट होती है, उनके अपने अलग थोड़े से रूल्स हैं। तो इसीलिए जो 8 लाख रुपीज का जो ये इनकम है इसमें से 80,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है ना, आप इसे एड बैक करेंगे। और एडमिसिबल डेप्रिसिएशन कौन सा है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स वो हम अलग से बताएंगे। तो ही बॉट द फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग ए खरीदी उन्होंने 1 मार्च 2020 को 3 लाख रुपए की, उसे पुट टू यूज किया था 31 मार्च को, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। बिल्डिंग बी खरीदी 1 अगस्त 2020 को 4 लाख रुपए की, उसको 10 मार्च को पुट टू यूज करा। बिल्डिंग सी खरीदी 10 सितंबर 2020 को, उसको पुट टू यूज करा 15 अगस्त को। तो ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है बिजनेस इनकम निकालिए। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम सबसे पहले जो इनकी बिजनेस इनकम दे रखी थी, बिजनेस इनकम आफ्टर जो डेप्रिसिएशन दे रखी थी, बिजनेस इनकम आफ्टर जो डेप्रिसिएशन दे रखी है दैट इज 8 लाख रुपीज, राइट? इसमें हम ये 80,000 रुपीज वाला डेप्रिसिएशन वापस एड बैक करेंगे तो ये बनता है 80,000 रुपीज जो इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वापस एड करने पर ये 8,80,000 हो गया। अब एडमिसिबल डेप्रिसिएशन कौन सा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई परचेज या सेल नहीं मेंशन है, तो जितने भी बिल्डिंग्स आए हैं उन सब पर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बिल्डिंग ए को अगर आप देखेंगे तो इसका परचेज डेट क्या है, 1 मार्च 2020। अब देखिए हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंटली 1 अप्रैल 2020 से हमारे पास ये साल शुरू होता है, 31 मार्च 2021 को खत्म होता है। इसको पुट टू यूज कब करा गया, 31 मार्च 2021 को। देखिए जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इस पुट टू यूज का क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके पास जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो हाफ हो जाती है कब, अगर आपने कोई भी एसेट प्रीवियस ईयर में बाय करी हो, अगर आपने कोई भी एसेट प्रीवियस ईयर में बाय करी हो और प्रीवियस ईयर में ही पुट टू यूज होनी चाहिए, राइट? प्रीवियस ईयर में बाय करी हो, प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज होनी चाहिए, और जो पुट टू यूज का पीरियड है अगर वो 6 मंथ से कम है, लेस देन 6 मंथ, तो हाफ लगेगा डेप्रिसिएशन, बस ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो देखिए जो आपने फर्स्ट बिल्डिंग खरीदी है 1 मार्च 2020 को 3 लाख रुपए की एंड पुट टू यूज ऑन 31 मार्च 2020, तो
तो ये प्रीवियस ईयर में आपने बाय करी, लेकिन पुट टू यूज आपने कब करी? 31 मार्च 2021 को, मतलब साल के एंड में ही एक ही दिन आपने यूज करा। तो पुट टू यूज का जो पीरियड हुआ वो सिर्फ वन डे हुआ, यानी लेस देन 6 मंथ हुआ। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना कर देंगे? 5% कर देंगे। तो जो 3 लाख है उस पर 5% आपका डिप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 15,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग बी बॉट ऑन 1st अगस्त 2020, ठीक है, प्रीवियस ईयर में से बाय कर लिया गया, एंड पुट टू यूज ऑन 31 मार्च 2020, तो भाई प्रीवियस ईयर में ही आपने उसको पुट टू यूज कर दिया। और क्योंकि 10 मार्च को आपने करा, तो आप देखिए 6 महीने तो बहुत दूर है, सिर्फ मार्च के कुछ डेज ही कंप्लीट हुए, तो ये भी लेस देन 6 मंथ है। तो इसमें भी 4 लाख पर भी आपका हाफ डिप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 5%, राइट, दैट इज 20,000 रुपीज, क्लियर। एंड द लास्ट इज बिल्डिंग सी, ये आपने खरीदी सितंबर 2020 में, यानी खरीदी तो प्रीवियस ईयर में है, बट पुट टू यूज आपने करी प्रीवियस ईयर के बाद, तो इस पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा, राइट। तो जो आपका एडमिसिबल डेप्रिसिएशन हो गया वो 35,000 रुपीज हो गया, तो हम 8,80,000 में से 35,000 रुपीज माइनस कर WDV निकाल देंगे, दैट इज 8,45,000 रुपीज, क्लियर। आई होप आप लोगों को हमारे वीडियोस यूजफुल लगे, अगर यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।